हे गाइस, आज हम लोग सीखेंगे कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग। अगर आपको भी करना है इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं इस तरह के एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, उस वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना होगा। तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं, तब तक वीडियो और बने रहे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो इस वाले बैकग्राउंड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। इस वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इस वाले जो बैकग्राउंड है इसको दोबारा से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोबारा से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, स्केची वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें क्या करना होगा, इस वाले बैकग्राउंड को कटिंग कर लेंगे। तो इस वाले बैकग्राउंड को कटिंग कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, जो जगह छूट चुका है उसको दोबारा से ऐसे ऐसे कर देंगे। तो इसको ऐसे कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, इस बैकग्राउंड में ऐड कर देना होगा। तो बैकग्राउंड को कर लेते हैं यहाँ पर ऐड। तो इसको ऐड कर लेने के बाद इसको नीचे की ओर खींच लेंगे। तो नीचे की ओर खींच लेने के बाद हमें क्या करना होगा, फिर से टूल्स पर क्लिक करके हमें एरिज पर जाना होगा और हार्डनेस को थोड़ा कम करके ओपेसिटी को भी कम कर देंगे। तो इसको ऐसे कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, ऊपर वाले जो एरिया है उसको ऐसे ऐसे कर देंगे। तो अब जो है हमारा बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। सेव कर लेने के बाद इस वाले बैकग्राउंड के जो क्वालिटी है तो इस क्वालिटी को बढ़ा देंगे। तो क्वालिटी को बढ़ाने के लिए टूल्स पर क्लिक करके हमें क्या करना होगा, रिसाइज पर जाना होगा। तो रिसाइज पर जाने के बाद हमें क्या करना होगा, तो साइज तो मैं ऑलरेडी बढ़ा के रखा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ऐड करेंगे बैकग्राउंड में हमारे पीएनजी। तो पीएनजी को ऐड कर लेने के हमें क्या करना होगा, ऐड फोटो पर क्लिक करके हमें अपना पीएनजी को ऐड करना होगा। तो पीएनजी को कर लेते हैं ऐड। तो इस वाले पीएनजी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, फ़िलिप कर देना होगा। तो फ़िलिप कर लेते हैं। तो फ़िलिप कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें दोनों हाथों को एक साथ मिलाकर देखना होगा कि कैसे कैसे हमारा जो फ़ोटो बनता है। तो इसको ऐसे कर लेते हैं। तो इसको ऐसे कर लेने के बाद क्या करना होगा, एरिज पर जाना होगा और ओपेसिटी को फिर से कम कर देंगे और हार्डनेस की थोड़ा कम कर देंगे और हमारे जो साइज है साइज को थोड़ा ज़्यादा रख के हमें नीचे की ओर ऐसे ऐसे कर देना होगा। तो इसको ऐसे कर देने के बाद फिर से हमारे जो साइज है वो कम कर देंगे और हमारे जो जो साइड वाइट वाइट दिख रहे हैं उसको हम लोग रिमूव कर लेंगे। तो इसको रिमूव कर लेने के बाद इसको हम लोग फिर से कम करके हमारे जो कैप है कैप को ऐसे ऐसे कर देंगे। ऐसे कर देने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें फिर से फ़ोटो को सेव कर लेना होगा। तो फ़ोटो को कर लेते हैं सेव। सेव कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, नीचे की ओर जो है वो बैग नीचे के जो साइज है वो कोई काम के नहीं है तो उसको हम लोग क्रॉप कर देंगे। तो क्रॉप करने के लिए हमें क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें क्रॉप कर देना होगा। तो फ़ोटो को कर दिया क्रॉप। आप देखो दोस्तों, मैन का यहीं पर होने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फिर से टूल्स पर क्लिक करके कलर एडजस्ट पर जाना होगा और हमारे जो कलर है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो एडजस्ट कर लेने के बाद फिर से सेव कर देंगे। सेव कर लेने के बाद फिर से हमें टूल्स पर जाना होगा और कलर को एडजस्ट करना होगा। तो कलर को एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, हाईलाइट को थोड़ा कम कर देंगे और ये जो है इसको थोड़ा और भी कम कर देंगे। कम कर देने के बाद इसको भी थोड़ा ऐसे कर देंगे। ऐसे कर लेने के बाद इन सब को इनब्लेंड कर देंगे। इनब्लेंड कर देने के बाद फ़ोटो को जूम करके हमें अच्छी तरीके से फ़ोटो को कलर दे देना होगा। तो कलर को तब तक मैं दे देता हूँ, तब तक वीडियो पर बने रहिए।
इसको ऐसे कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, फिर से एडजस्ट करके देखना होगा कि हमारे जो बैकग्राउंड है वो दोनों फ़ोटो से मैचिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा वाइट कर देंगे। तो इसको ऐसे कर लेने के बाद हमें थोड़ा इसको भी ऐसे कर देना होगा। अब जो है दोनों फ़ोटो का जो कलर है वो मैच हो चुका है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब फिर से सेव करके हमें दोनों फ़ोटो के कलर जो है प्रोफेशनल बनाना होगा। तो प्रोफेशनल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ फ़िल्टर ऐड करना होगा। तो फ़िल्टर को ऐड कर लेते हैं, एफएक्स पर क्लिक करके कुछ फ़िल्टर को ऐड कर लेते हैं। तो इस वाले फ़िल्टर को ऐड करके देखते हैं कि हमारे फ़ोटो में कैसा लगता है। तो इस वाले फ़िल्टर को सिलेक्ट करके देखते हैं। तो इस वाले फ़िल्टर को सिलेक्ट कर लेने के बाद मुझे तो यही बेस्ट लगते हैं। तो आप अपनी फ़ोटो के हिसाब से कर लेना, मैं तो यही करने वाला हूँ दोस्तों। तो फ़ोटो को कर लेते हैं सेव। तो इसको कल ऐसे कर लेने के बाद फ़ोटो को कर लेना होगा सेव। और हमें मेन काम क्या कहाँ करना होगा, लाइट में इस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो लाइट रूम पर देखते हैं कि कैसे कलर होते हैं। तो लाइट रूम पर उस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस वाले फ़ोटो को लाइट रूम पर ऐसे ऐड कर लेंगे। तो लाइट रूम ऐप ओपन होने के बाद इस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना होगा। तो इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, इस पर कलर एडजस्ट करना होगा। तो कलर को कर लेते हैं एडजस्ट। तो इसको थोड़ा बढ़ा देंगे और इसको हाईलाइट को थोड़ा बढ़ा देंगे, शेडो को थोड़ा कम कर देंगे। तो इसको ऐसे कर लेने के बाद अब हमें क्या करना होगा, कलर वाले ऑप्शन पर जाना होगा। तो कलर को हम लोग अपनी फ़ोटो के हिसाब से कलर कर लेते हैं। तो इसको ऐसे कर लेते हैं। तो इसको ऐसे कर लेने के बाद हमारा जो फ़ोटो है वो इस तरह की वाइट हो चुके हैं। अब क्या करना होगा, फिर से हमें टेम्परेचर को भी कम करके देखेंगे और इसको भी थोड़ा बहुत ऐसे करके देखेंगे कि हमारे जो फ़ोटो में कौन सा फ़िल्टर बेस्ट लगते हैं। तो मैं यही करने वाला दोस्तों। तो इसको ऐसे कर लेने के बाद फिर से हमें क्या करना होगा, ग्रीन कलर को थोड़ा कम या ज़्यादा करके देखेंगे। तो ग्रीन कलर को ऐसे कर लेने के बाद